नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपके अपने होम्योपैथिक चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल और बाल सफ़ेद होने की कारण और उसके होम्योपैथिक दवाइयां। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाल हम लोग के लिए कितने ज़रूरी हैं और बालों से सुंदरता थोड़ी बहुत बढ़ती है और बालों से एज फैक्टर भी, एज पेशेंट की एज भी कम लगती है। जैसे आप 30-35 साल के व्यक्ति को देखें जिसके बाल नहीं हैं और 45-50 साल के व्यक्ति को देखें बाल, तो उनकी एज आपको 5-10 साल के डिफरेंस है तब भी उनकी एज सेम लगेगी। तो बालों का ये इम्पोर्टेंस होता है कि आपकी एज कम लगती है। बाकी गर्मी से सर को बचाते हैं बाल और बहुत ज़्यादा ठंडी से भी बाल बचाते हैं और अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बाल हमें, हमारे सर को बचाते हैं, तो सुंदरता भी बढ़ती है और इन सब से भी हमको बाल प्रोटेक्ट करते हैं। बाल एक प्रोटीन फिलामेंट है जो डर्मिस में पाए जाने वाले फॉलिकल से भरता है। पुरुष पैटर्न बालों के झड़ने का कारण जेनेटिक्स और पुरुष हार्मोन के संयोजन है। कारण जानने की आप कोशिश करते हैं हेयर फॉल का, पुअर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उसमें स्ट्रेस हो रहा है, उसमें भी बाल झड़ना और वाइट ऑफ हेयर्स होने लगते हैं। जेनेटिक्स एक कारण है, जैसे बाप दादा नानी नाना की तरफ बाल कम है या जल्दी झड़ गए तो बच्चों में भी उसका असर देखा जा सकता है। हेयर कलर्स, आजकल मार्केट में बहुत तरह के हेयर कलर्स हैं, केमिकल्स हैं जो आजकल लोग लगा रहे हैं, उससे भी बालों का पकना, बाल जल्दी झड़ना, सफ़ेद होना, ये सब हो रहा है। खाने में प्रोटीन की कमी, खाने पीने में प्रोटीन की कमी, फाइबर वाली चीज़ों की कमी, हरी भरी सब्जियां लोग नहीं खा रहे हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल और हेयर की क्वालिटी गिर जाती है। बाल खुद एक प्रोटीन से बनता है और प्रोटीन की कमी की वजह से बाल जल्दी झड़ने लगते हैं। हार्मोनल इम्बेलेंस हो बॉडी में, थायराइड प्रॉब्लम हो जाए, उसमें भी बाल झड़ना आ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी औरतों में बाल झड़ना देखा जाता है बहुत तेज़ी से। एलोपेशिया एरियाटा, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें हेयर लॉस होता है एंड आपका इम्यून सिस्टम हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है एंड रोकता है न्यू हेयर आने से। ये दोनों में, मेल फीमेल में आ सकता है एलोपेशिया, और ये बहुत तेज बालों को झड़वाता है और नए हेयर्स को रोकता है आने से। अब हम होम्योपैथिक दवाई जानने की कोशिश करते हैं सिम्टम्स के आधार पे। जैसे जो हम दवाई बता रहे हैं, जरूर नहीं आप हर दवाई लें कि इसमें भी लक्षण है हमारा, नहीं, 2-3 दवाइयों से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, वो भी डिफरेंस में लेना है आपको, ठीक है। जिस सिम्टम के दवाई आपके में ज़्यादा वो सिम्टम मैच कर रहा है, वही दवाई आप लीजिए या हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया हुआ है। बालों का गुच्छे गुच्छे झड़ते हों, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, चकत्ते के रूप में बाल झड़ रहे हों, खूब हैंडफुल हो जाए, मतलब ऐसे खींचो तो बाल झड़ जाएं, उसमें आप लाइकोपोडियम 30 सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आप ड्रॉप में लाएँ तो या 2 या 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पे ले लें, सुबह शाम लीजिए। फॉस्फोरस 30 या 200 दिन में एक बार ले सकते हैं। लाइकोपोडियम 30 सुबह शाम लीजिए और फॉस्फोरस 30 या फॉस्फोरस 200 पावर में, इन दोनों में से कोई एक पावर में दिन में एक टाइम लीजिए। सफ़ेद खुश्क रूसी के कारण बालों का झड़ना, अगर सफ़ेद खुश्क रूसी हो जाए और उसके कारण से बाल झड़ रहे हों, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो, उसमें थूजा 30 या थूजा 200 हफ्ते में एक बार लीजिए। चिंता तथा मेंटल एक्जर्शन की वजह से झड़ना बालों का, सिर, भौं, सिर का बाल, भौंहें का बाल, पलकों के बाल अगर झड़ रहे हैं और मेंटल एक्जर्शन मरीज को बहुत ज़्यादा है, उसमें एसिड फॉस 30 बहुत अच्छा काम करती है। एसिड फॉस 30 सुबह शाम आप ले सकते हैं। बालों का तेज़ी से बढ़ने या चमक लाने के लिए विस्बडन 30 सुबह दोपहर शाम ले सकता है पेशेंट। अगर बालों में तेज़ी से बढ़ने के लिए बाल उसके धीमे बढ़ते हों और वो तेज़ी रफ्तार चाहता है कि बाल हमारे तेज़ी से बढ़ें, चमक आ जाए, उसमें विस्बडन 30 ली जा सकती है।
गर्भावस्था के दौरान बाल झड़ना, प्रेग्नेंट महिलाओं में बाल झड़ रहा हो अगर, तो उस समय देखिए दवाई बहुत ज़्यादा तो नहीं खानी चाहिए, लेकिन हमारी होम्योपैथिक दवा सुरक्षित होती है और डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस, हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के साथ ही दवाई प्रेग्नेंट महिलाओं खानी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान बाल झड़ रहे हैं उसमें नेट्रम्यूर 200 हर हफ्ते एक डोज लेना है उसको, ओनली वन डोज हफ्ते में एक बार। या अगर महिला बहुत पतली दुबली है, प्रेग्नेंट है और पतली दुबली है, उसमें सीपीआ 200 हर हफ्ते ले सकते हैं, ठीक है। नेट्रम्यूर 200 या सीपीआ 200 में से कोई एक दवा लेनी है। अगर नेट्रम्यूर अच्छा वर्क करे तो नेट्रम्यूर ले, अगर इससे वर्क नहीं होता है तो सीपीआ 200 ओनली वन डोज लेना है प्रेग्नेंट महिलाओं में। बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएं उसमें लाइकोपोडियम 200 पावर की रोज़ एक टाइम लेना है, चाहे दोपहर को ले ले चाहे किसी भी वक्त ले ले एक टाइम, और एसिड फॉस 200 एक टाइम लेना है। दोनों अलग अलग टाइम ले सकते हैं, जैसे एसिड फॉस 200 मॉर्निंग में ले ली और लाइकोपोडियम 200 आफ्टरनून में ले ली, अगर बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो। जो मैं दवाई बताता हूँ और जिस दवाई से आपके सिम्टम मैच हो रहे हैं आप लिख लीजिए कापी में और वह दवाई ले सकते हैं या वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। बाल अगर ग्रे दुख के बाद से हो रहे हैं, अगर मरीज दुखी रहा काफ़ी और बहुत जल्दी दुख में आने से मरीज के बाल सफ़ेद होने लग जाएं, उसमें एसिड फॉस 30 सुबह शाम ले सकते हैं। एसिड फॉस का हमने पहले भी जिक्र किया, चिंता और मेंटल एग्जर्शन और भौंय पलक के भी झड़ रहे हो तो भी एसिड फॉस आप ले सकते हैं। और अगर मरीज दुखी हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख है उसको और बाल उसका पकना शुरू हो गया, झड़ना शुरू हो गया, उसमें भी एसिड फॉस 30 ली जा सकती है। हेयर फॉल हो अगर स्पॉट्स में, कभी यहाँ का स्पॉट्स में बाल झड़ रहा हो, कभी यहाँ का स्पॉटिंग में बाल झड़ रहा हो, तब आप एसिड फ्लोर 200 सुबह शाम लीजिए, लाइकोपोडियम 200 आफ्टरनून में ले सकते हैं। नेट्रम्यूर 200 की 3 डोज से शुरुआत करनी है, 15-15 मिनट में नेट्रम्यूर 200 लेना है और फॉस्फोरस 200 एक टाइम लेना है। अगर बाल स्पॉट्स में झड़ रहे हों तो चकत्ते के रूप में, कभी यहाँ झड़ गया यहाँ झड़ गया है ना, कई लोगों में देखा जाता है, तो इस तरह का अगर बाल झड़ रहा हो तो एसिड फ्लोर 200 सुबह शाम लीजिए, लाइकोपोडियम 200 एक टाइम लीजिए ओनली वन डोज डेली, नेट्रम्यूर 200 की बस 3 खुराक लेना है हर हफ्ते, 15-15 मिनट में 2-2 बूंद ले ली, एक डोज ली फिर 15 मिनट बाद बस नेट्रम्यूर 200 की, और उसको एक एक हफ्ते बाद रिपीट करना है। बाकी एसिड फ्लोर 200 का रिपीटेशन करना है सुबह शाम, लाइकोपोडियम 200 रोज आफ्टरनून में, फॉस्फोरस 200 भी एक टाइम में आप ले सकते हैं। अगर बाल्डनेस यंग बच्चों में आ रही हो, 20-25 साल के बच्चों में ही अगर गंजापन दिखने लगे, उसमें बराइटा कार्प ले सकता है व्यक्ति, साइलिशिया 200 दिन में एक बार लेना है और बेसिलिनम 1 mg एक डोज लेना है उसको हर हफ्ते, वन डोज बेसिलिनम 1 mg का, बाकी बराइटा गार्प 30 सुबह शाम, साइलिशिया 200 दिन में एक बार ले सकता है और लाइकोपोडियम 200 भी दिन में एक बार ले सकता है। हेयर फॉल अगर हो रहा हो स्पॉट्स में और उसके बदले सफ़ेद बाल आ रहा हो, हेयर फॉल स्पॉट्स में हो रहा है और वहाँ पे जो नए बाल आए वो सफ़ेद आए, उसमें विनका माइनर 30 सुबह शाम लेना चाहिए पेशेंट को। टाइफाइड फीवर में अगर हेयर फॉल हो रहा हो उसमें एसिड फ्लोर 200 सुबह शाम लेना चाहिए। किसी को टाइफाइड हो गया हो या उसके बाद से उसको बाल झड़ने लगे हों, उसमें एसिड फ्लोर 200 लेना चाहिए सुबह शाम। डिलीवरी के बाद हेयर फॉल हो रहा हो तो जैसा कि मैंने बताया, सीपीआ 200 वन डोज लेना है हर हफ्ते, या नेट्रम्यूर 200 या 1 mg में वन डोज लेना है हर हफ्ते। बाकी डिलीवरी के बाद हेयर फॉल हो उसमें लाइकोपोडियम 200 भी दिन में एक बार ले सकते हैं, सल्फर 200 की भी एक डोज ले सकते हैं हर हफ्ते एक टाइम ओनली, और सीपीआ 200 नेट्रम्यूर 200 या 1 mg की एक एक डोज ले सकते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं लेना है। अगर सीपीआ वर्क नहीं करती है तो अगले हफ्ते नेट्रम्यूर लेना है, बाकी लाइकोपोडियम 200 डेली आफ्टरनून में ले सकते हैं और सल्फर की 1 या 3 डोज लेनी है। हेयर्स अगर पतले होते जा रहे हों उसमें सोराइनम 1 mg की 3 डोज लेनी है, 15-15 मिनट में 2-2 बूंद ली फिर 15 मिनट बाद, ठीक है।
उसको भी हफ्ते में एक बार लेना है। कई दवाइयों का देखिए होम्योपैथी में रिपीटेशन होता है, कई दवाइयों का नहीं होता है। तो सोराइनम वनम का रिपीटेशन नहीं करना है, हफ्ते में करना है। और साइलिशिया 30 सुबह शाम देना है अगर बाल पतले होते जा रहे हैं। छोटी उम्र में बालों का सफ़ेद होना, छोटी उम्र में हमने बालों का झड़ना तो बता दिया था, अब सफ़ेद होना में भी सोराइनम 1 mg एक डोज लेना है वीकली, और लाइकोपोडियम 30 सुबह शाम ले सकते हैं। बाल सफ़ेद हो रहे हों छोटी उम्र में ही, 15-20 साल की उम्र में ही बच्चे लड़के लड़की के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, लाइकोपोडियम 30 सुबह शाम, एसिड फॉस 30 सुबह शाम ले सकते हैं। दोनों दवाई में गैप रहेगा, जो भी देखिए होम्योपैथिक दवाई लेंगे तो गैप 15-20 मिनट का रखना है, चाहे खाने के 15-20 मिनट पहले ले लें, चाहे बाद में लें, कभी भी लें, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों में गैप रहेगा 20 मिनट का कम से कम। बाकी कोई भी आपको क्वेश्चंस या कन्फ्यूजन हो तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया हुआ है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।